अल्लाह मैं अपने से नीचे वालों को देखता हूँ ना तो अल्हम्दुलिल्लाह करता हूँ। बैंक आ गया, अब देखते हैं इनसे क्या जिद बहस चलती है। हैं? वाह भाई, मीटर शीटर तो वॉइस चेक करें। वॉइस बाहर से कुछ इस तरीके का लुक है पीछे का। Assalamualaikum everyone, तो क्या हाल है आपके? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे और आपका भाई भी एकदम ठीक है। वॉइस आपके भाई की जो है वो गुड मॉर्निंग हुई और बाहर माशाल्लाह से फुल घटा छाई भी है। कभी धूप निकल आती कभी घटा छाती, ये तो अमेरिका का वेदर है ही। खैर अभी उठते ही आपको पता है हमें कहाँ जाना, सबसे पहला काम हमारे सर पे है बैंक का यार, वो सबसे रिजॉल्व पहले करना है क्योंकि जाकर देखते हैं वो क्या बोलती हैं, पैसे वापस करते हैं भाई अल्लाह ताला, खैर कर देंगी। तो अभी नाश्ता साथ करता हूँ और फिर निकलता हूँ बैंक के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह आपके भाई ने नाश्ता भी कर लिया है, तो अब चलते हैं बैंक और अब दुआ ही करें मेरे लिए कि बैंक में जल्दी से मसला हल हो जाए भाई। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, खुदा की कुदरत है वॉइस कसम से, जब बाहर आता हूँ ना मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, पहली बात इस बात पर कि मैं अमेरिका में बैठा हुआ और अच्छे हाल में हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अपने से नीचे वालों को देखता हूँ ना तो अल्हम्दुलिल्लाह करता हूँ। आपसे भी एक रिक्वेस्ट है, कभी भी अपने से ऊपर वालों को मत देखिएगा। जब भी आप अपने ऊपर वालों को देखेंगे ना, आप अपनी झोपड़ी में आग लगा लेंगे। तो आप अपने नीचे वालों को देखेंगे ना, वो आपको झोपड़ी जो है ना वो आपको अपना महल लगेगा। तो ऐसे ही मेरी सोच है भाई, तो आपके साथ शेयर कर देते। तो अभी चलते हैं जल्दी से और बैंक का मसला हल करते हैं। स्टार्ट कर दिया भाई, इसको भी गर्म करना पड़ता है। जाहिर है आप गाड़ी का ख्याल जितना रखेंगे ना, मैं आपको सच्ची बात बताऊं, गाड़ी आपको उतना ही ख्याल रखेगी। इसलिए मैं शुरू से जो ना गाड़ी का बड़ा ख्याल रखता हूं भाई, चाहे वो पुरानी हो नई हो कोई भी हो, मैं उसी तरीके से ट्रीट करता हूं जैसे हर गाड़ी को करता हूं भाई। तो बॉयज गड्डी हो गई है गर्म, हम निकालते हैं इसको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरज मियां क्या कर रहे हो भाई, क्यों आ रहे हो, इतना अच्छा मौसम। असल में पता नहीं नाराज हो रहा है सूरज मियां, जब जब सूरज मियां की बुराई करता हूँ ना, वो नाराज हो कि फौरन मेरे मुंह पे आ जाते हैं। खैर मौसम जो है इसकी वजह से अच्छा है क्योंकि बादल आए हैं, अगर ये बादल ना हो तो सूरज मियां तो हमारा हशर नशर बुरा कर दें। खैर सूरज मियां थोड़ा सा ख्याल करना। ओके सो खैर आप जल्दी जल्दी चलते हैं हम बैंक की तरफ। अरे भाई जान, ये सिग्नल जो है ना, सिग्नल आपको किसी दिन मार देंगे भाई, मरवा भी देंगे और मार भी देंगे। तो लेट्स गो भाई। पहुंच गया हूँ भाई टीडी बैंक। टीडी बैंक से ऐसा रिलेशन बना लिया, आंटी जी ने बोला बेटा अब तुम्हें हर वक्त आना पड़ेगा हमारे पास, अल्लाह ना करे इस सूरत हाल में आऊँ। खैर टीडी बैंक आ गया, अब देखते हैं इनसे क्या जिद बहस चलती है, क्या कहती हैं, अल्लाह करे हमारा काम करते हैं। ऐसा होना नहीं चाहिए लेकिन अब क्या करें, जब हो गया। असल में कार्ड जो है वो बहुत मल्टीपल प्लेसेस पे यूज़ करता हूँ ना, तो डिटेल चली जाती है। खैर अल्लाह मालिक है, लेट्स सी, अंदर जाके देखता हूँ। कभी ऐसा हुआ है कि बैंक आओ और आपको इंतज़ार ना करना पड़े। अब उनके पास जो है कोई कस्टमर बैठा हुआ है, तो मैं वेट कर रहा हूँ कि जल्दी से कस्टमर फारिग हो तो हमारा काम हो। बॉयज चेक माय बैंक अकाउंट, सो दैट वन आई डिडंट यूज दिस मनी बट आई डोंट नो व्हाई। PayPal? Yeah. All right. So what we have to do is you have to wait till it posts. And then you can come back, and we can dispute it. I can't do anything until it falls into the white section, but we can definitely we can dispute it for you. Can't be disputed when it's in pending. Oh. Yeah. I'm waiting for this. You have to wait. Yeah, it has to go out of the yellow pending into the section where it says where it's white. Then we will do something. Then you can come back and you can dispute it, or you can call over the phone and dispute it. Tell them it's a PayPal. Okay. All right. Okay. Thank you so no much. No worries. Thank you so much. All right. No, okay. Keep your eye on it. Bye. All right. Thank you. Hey boys, उन्होंने तो मुझे ये कह दिया कि अभी पेमेंट जो है वो पेंडिंग पे है, जब पेमेंट कट जाएगी फिर हम कुछ कर सकते हैं, अदरवाइज अभी कुछ नहीं कर सकते क्योंकि पेमेंट जो है वो पेंडिंग पे लिखा हुआ आ रहा है। तो जब तक पेमेंट कटती नहीं है आप वेट करो, जब पेमेंट कट जाए तो आप हमारे पास आ जाना, देन वी विल डू समथिंग। तो बॉयज ये हुआ है, काश अभी पेमेंट मिल जाती यार, अच्छे खासे मेरे $600 यार। ओह माय गॉड, क्या करें अभी यार, यहाँ के रूल्स रेगुलेशन पे चलना पड़ता है। तो अब इनकी बात मान लेते हैं, थोड़ा वेट कर लेते हैं जब तक पेमेंट नहीं कटती। बॉयज इन्होंने तो दे दी है टोपी, अब क्या कर सकते हैं, अब चलते हैं घर पर क्योंकि सुदेम भाई का भी मैसेज आता है मेरे पास फौरन, जब जब वो स्कूल से वापस आ रहे होते हैं ना मैं घर में नहीं होता, तो वो अभी भी उनका मैसेज आया भैया कहाँ हूँ, मैला बाहर, बोले हर वक्त बाहर, मैला क्या भाई घर में पड़ा रहूँ क्या। तो चलते हैं अब सुदेम भाई से मुलाकात करते हैं, लेट्स गो। खैर बॉयज यहाँ पर जो है बैंकों की ये बड़ी अच्छी बात है कि जब मैं गया उनके पास, उनको मैंने बताया सारा सीन, तो उन्होंने कोई अगला सवाल नहीं किया मुझसे,
कि नहीं आप गलत झूठ बोल रहे हो, आपने यूज़ कर लिए होंगे। उन्होंने सिंपली मुझे ये बोला कि अभी पेंडिंग अमाउंट, जैसी अमाउंट चली जाएगी तो हम आपके पैसे हम आपको वापस कर देंगे, दैट्स इट। उन्होंने अगला कोई बात ही नहीं करी, मुझे लगा था वो पूछेंगे नहीं आपने यूज़ किया, पहले भी मेरे साथ हुआ है ना, तो उन्होंने कोई सवाल नहीं किया था। ये बड़ा अच्छा सीन है कि भरोसा करते हैं अमेरिके में के अंदर ना, लोग भरोसा बहुत करते हैं एक दूसरे के ऊपर ना, और लोग भरोसा तोड़ते भी नहीं है, झूठ बोलते भी नहीं है। यहाँ पर लोगों की आदत ही नहीं है झूठ बोलने की ना, सब सच्चे चल रहे हैं। तभी मुल्क देखें कहाँ तक पहुँच गया यार, शाम का वक्त बड़ा मजे का होता है बॉय। हाय 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 हाय, सुभान अल्लाह भी चल रही, ठंडी ठंडी हवा ना, बड़ा सुकून मिल रहा था। मैं कब से यहाँ पे खड़ा हूँ, मतलब ऊपर नहीं गया मैं, सुतेम भाई ऊपर से कॉल कर रहे हैं लेकिन मैं गया नहीं, यहाँ पे खड़ा हुआ आपका भाई इंजॉय कर रहा था मौसम को, तो मैंने सोचा ऊपर चले जाते हैं, सुतेम भाई से मुलाकात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सुतेम भाई, कैसे हैं? बड़ा बिजी तुम्हें लगता है? फुल बिजी चल रहा हूँ भाई, सुबह से गया हुआ था मैं, काम वाले बंदे हो गए। बात तो नहीं किया घर में, क्या 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 काम वाले बंदे हो गए। आप क्या कर रहे हो? गेम खेल रहा हूँ यार। ये तुम्हारा काम नहीं है क्या? कोई आज मैंने iPhone 16 Pro Max पे गेम खेला है, बहुत हैवी ब्रो। कैसा था फोन भाई साहब, मैं बताऊँ ना तो मुझे तो कोई फर्क ऐसा देख नहीं रहा था iPhone 15 और 16 में। उन्होंने कैमरे के अंदर बहुत फर्क डाला, बाकी गेम में अंदर सही है, नॉर्मल। फोन भी सेम साइज का है, थोड़ा सा बस वो मोटा कर दिया है, बड़ा है बस, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है। पीछे के कैमरे भी सेम है, सेम है। अगर हाथ में पकड़ के जाओ, कलर 14 प्रो मैक्स लग रहा है, बिल्कुल कलर 14 प्रो मैक्स सेम। अब देख लो तुम्हें लेने की, हमें लगता है कि लेने की जरूरत है? नहीं भाई मैं तो कभी, अगर जिसके पास 15 प्रो मैक्स है ना भाई, उसको जरूरत नहीं है कि वो 16 प्रो मैक्स ले, क्योंकि जब 15 प्रो मैक्स के अंदर सारी चीजें हैं तो वो 16 प्रो मैक्स में सेम ही है, तो फायदा और नहीं है। और आपका तो एक फोन ट्रेड भी कर सकते हो, आप ले भी सकते हो। हाँ मैं तो ले सकता हूँ भाई, मेरा 15 प्रो मैक्स जो मैंने यहीं से लिया था, अगर मैं चाहूँ तो मैं चेंज करा के 16 भी ले सकता हूँ, लेकिन अभी नहीं लेना भाई, थोड़ा सा पुराना होने दे, फिर देखी जाएगी। अभी चल रहा है भाई अच्छा खासा, फोन भी जाते हैं, व्लॉग भी बन रहे, सब अच्छा है भाई। 2000 years later. So boys, उसके बाद मैं जो हूँ थोड़ा बहुत काम करने लग गया था घर के अंदर, तो देखते देखते देखा तो रात हो गई, यहाँ तो रात फटाफट हो जाती है, तो पापा जी आए, उन्होंने कहा कि गाड़ी चार्ज करा के ला दो भाई, तो ये काम था। मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखाता चलूँ कि मैं कहाँ चार्ज कराने जाता हूँ और कितना टाइम लगता है चार्जिंग के अंदर, तो आप लोग भी साथ चले भाई मेरे। तो भाई साहब वो जो गाड़ी है वो तो याद है आप लोगों को मार दी थी, तो ये अब नई गाड़ी आई है, ठीक है, ये भी इलेक्ट्रिक ही आई थिंक, हाँ ये भी इलेक्ट्रिक है, नई गाड़ी है, तो अब इसको चला के देखते हैं भाई कैसे चूहे जैसी शक्ल है, अस्तग़फ़िरुल्लाह। खैर इसको खोलते हैं, अंदर से देखते हैं कैसी है भैया। अरे खुल गई नहीं रही, अबे खुल गई नहीं रही, खुल गई, अबे वाह भाई फुल सपोर्टर है। आए हाय 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 भाई जान, यार ये तो अच्छी गाड़ी है भाई। इसको स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट का सिस्टम कितने, अरे ये रहा। आए हाय हाय हाय, लाइट बंद हो, वाह भाई मीटर शीटर तो वॉइस चेक करें, स्क्रीन बहुत बड़ी दी है भाई, उसके अंदर स्क्रीन इतनी बड़ी नहीं थी, जो पहले वाली गाड़ी थी उसके अंदर स्क्रीन इतनी बड़ी नहीं दी हुई थी, इसमें स्क्रीन बहुत बड़ी दी हुई और बेहतरीन लग रही है माशाल्लाह यार। अब तो ये चला के पता चलेगा कि कैसी गाड़ी है। सो खैर भाई इसको डालते हैं अब डी के अंदर। अरे 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 ओ भाई शशका चेक कर रहे डी में डालने का, और ये अरे ओहो हैंड ब्रेक भी लगा हुआ था बॉयज, ओह माय गुडनेस, तो अब चल चुकी है गड्डी यार। ये भी बड़ी बड़ी गाड़ी नहीं है भाई, मजे की गाड़ी है यार, इलेक्ट्रिक गाड़ी का मेरा अपना मजा है बॉयज, थोड़ी सी अनकंफर्टेबल है लेकिन ये मजे की गाड़ी है। इसको भगा के चेक करें बॉयज क्या कहते हैं, 1 2 3। ये तो हाथ से निकल रही है बॉयज, माय गॉड ये तो हाथ से निकल रही है। अभी खाली रोड पे भगाता हूँ बॉयज, खाली रोड आ चुका है सही है, और इसको भी हाँ मानते हैं, 1 2 3। ओए बॉयज ये भी भाग रही है, लेकिन मैं एक बात बताऊं आपको, वो पहले वाली गाड़ी थी उसके अंदर थोड़ी पावर ज्यादा, इसके अंदर मोड कैसे चेंज होते हैं ये देखना हो पहले बॉयज, इसके अंदर अगर मोड चेंज करने, मोड चेंज करने का सिस्टम ही नहीं, खैर ऊंच नीच हो जाए। तो अभी मेरे घर के पास है इलेक्ट्रिक चार्जिंग की जगह ना, जो कि मुझे रास्ता पता है, तो अभी वहां चलते हैं, वहां चल के दिखाता हूँ कि लाइन शाइन लगी हुई, और इस वक्त टाइम क्या हो रहा है, अल्लाह आपका भला करे। देख लिया आपने टाइम, 10:30 बज रहे हैं, तो अभी जाके देखते हैं कि क्या सीन बनता है वहां जाके, कि रश रश ना हो, आराम से जाके हम चार्ज करा लें। बॉयज मैं पहुंच चुका हूं, ये एक मॉल की पार्किंग है, नेवी मॉल की, सामने आपके होम डिपो भी मिल जाता है, और ये राइट साइड पे ग्रीन ग्रीन नजर आ रहा है, ये सारी चार्जिंग के पॉइंट्स हैं। अब देखें मैं ये अंदर जाता हूँ, देखें पहले से एक गाड़ी खड़ी है वेटिंग में ना, अब ये चार्ज हो रही है सारी गाड़ियाँ, तो
तो अब हमने वेटिंग के अंदर खड़े होना है, इसके साथ ही हमने लगानी है गाड़ी आगे की तरफ, ताकि वहां से जो भी गाड़ी निकलेगी देन हमने चार्ज करनी है। जब तक आपको बाहर से इसका थोड़ा दिखा देते हैं क्या सिस्टम है, मैंने भी नहीं देखी अभी तक। गाइस बाहर से कुछ इस तरीके का लुक है पीछे का, थोड़ी अंकलों वाला शेप है बट इट्स लुक गुड। ये अंदर से तो आपने देख ली है, आगे से दिखाता हूँ आपको, इसका शेप कुछ इस तरीके का है, थोड़े से अंकल टाइप वाली और नई प्रियस वाली आगे से शक्ल दी हुई है इन लोगों ने। शेवी की गाड़ी है ये, छोटी सी, ज्यादा बड़ी भी नहीं है बट लुक नाइस। साइज देखें आप लोग कितना मिनी साइज, यहाँ से यहाँ खत्म हो गई भाई। और जो पहले वाली थी उसका थोड़ा थोड़ा बड़ा साइज था बट ये अच्छी गाड़ी है। और ये इसका चार्जिंग का पॉट देखें, ये इस तरफ है चार्जिंग का पॉट, ये रहा, आपको यहाँ से चार्ज करनी है। जो पहले वाली थी उसका यहाँ था, तो सबके डिफरेंट होते हैं। इसके डिग्गी का स्पेस देखते हैं किस तरीके से खुलेगी। अच्छा ऑटो नहीं है भाई, ऑटो नहीं है इसमें, ऑटो नहीं दिया गया, खुद खोलनी पड़ती है। ये डिग्गी के अंदर का स्पेस है, मतलब बाहर से आपको छोटी लग रही है बट पीछे बैग्स वगैरह आ जाएंगे। और ये पैसेंजर सीट है तो वेरी नाइस यार, अच्छा स्पेस दिया हुआ पीछे। ये एक और गाड़ी आ गई है देख सकते हैं आप लोग, ये भी अब चार्ज के लिए खड़ी होगी। और गाड़ी चेक करें, फुल पोर्शे वाला लुक दिया है, बेहतरीन भाई। खैर ये भी अब चार्ज होगी लेकिन मेरे बाद चार्जिंग पे लगेगी। अब देखें ये गाड़ी निकली है, ठीक है, अब ये भाई चले जाएंगे। इस तरीके से लाइन वाइज आपने चार्ज करनी है, उसके बाद मेरी बारी है, उसके बाद ये जाएंगे। अब इनमें से, इन दोनों में से कोई भी पहले निकलेगी उसके बाद मैं लगाऊंगा गाड़ी। चार्जिंग के लिए ये इशू है कि आपने वेट करना पड़ता है कि थोड़ी देर वेट करो, 15 से 20 मिनट, आधा घंटा भी हो जाता है लोग चार्ज करने आते हैं, तो ये थोड़ी सी मुसीबत की बात है। लेकिन जब घर में चार्जर लग जाते हैं तो लोग ये करते हैं, रात में आते हैं चार्ज पे लगा देते हैं फिर सुबह अपने चलाने लग जाते हैं। लेकिन हाल फिलहाल चार्जर नहीं है तो हमने यहीं पर चार्ज करना है। ये लोग भी इस तरीके से आए हैं क्योंकि इन्होंने चार्जर नहीं लगाए हुए होंगे, तो बस अभी वेट कर रहे हैं अपनी बारी का, जैसी आती है तो फिर चार्ज करते हैं। कि गाड़ी का अंदर से लुक बड़ा स्पेशियस है, मतलब एक लग्जरी लुक दे रही है, देख रहे हैं आप लोग, इतने सारे बटन, ये चेक करें, स्क्रीन ने मजा करा दिया, इतनी बड़ी बिग स्क्रीन इसमें दी हुई। और ये पूरा चेक करें आप, ये अच्छा इन्होंने लुक दिया हुआ है, शेवी की गाड़ी है, बड़ी अच्छी है यार, लोग इलेक्ट्रिक गाड़ियां निकाल लें हम ये लोग। बॉयज इसके अंदर जो है सिर्फ दो ऑप्शन है, ये चेक करें, स्पोर्ट्स मोड ऑन हो गया, ये ऑफ हो गया। इसके अंदर इको, नॉर्मल, तीन ऑप्शन थे ना पहली वाली में, इसमें ऐसा नहीं है, आपने सिर्फ स्पोर्ट्स मोड ऑन करना है, ऐसे कर लें, ऑफ करना है ऐसे कर लें, तो इसमें थोड़ा सा कम सिस्टम है। एक और चार्जिंग वाले भाई आ चुके हैं जो कि अब वेट करेंगे, ये समझ रहे हैं पहला वाला चल रहा है लेकिन पहला वाला जो है वो ऑफ पड़ा हुआ है, इनको भी अब चार्जिंग के लिए हमारे साथ लाइन में खड़ा होना पड़ेगा भाई। आपके भाई का नंबर आ चुका है और आपके भाई की गाड़ी के अंदर चार्जिंग 39% है अभी हाल फिलहाल, तो देखते हैं अब कितनी देर में चार्ज होती है। अब आपका भाई बाहर खड़ा हो गया है और जो पीछे खड़े हैं वो अभी तक खड़े हैं, जब निकलेंगे हम तो वो लगेंगे। बॉयज आपका भाई जो वो पीछे आके बैठ गया सुकून से, मैंने बोला पीछे का लेग स्पेस देखें, लेग स्पेस थोड़ा सा कम है, मतलब सही है छोटे बंदों के लिए सही है, हमारी तो टांगे भाई आलम चन्ना वाली टांगे लंबी लंबी, हमारे लिए सही नहीं है। खैर अभी दिखा रहा है 40 मिनट्स, ओ माय गॉड 80% में, आज हम 100% करके जाएंगे। तो बस अब थोड़ी देर कैलकुलेटर कर लेता हूँ देन चार्ज हो जाएगी इंशाल्लाह। तो 1 2 3 बॉयज नैप भी ले लिया है, उठ भी गया हूँ, नींद भी प्योरी हो गई, लेकिन ये कंप्लीट यू नहीं हुई। अभी देखें बॉयज 63 मिनट्स ये लिखा हुआ है, ये मैं 63 मिनट से इस जगह पर चार्ज कर रहा हूँ बैठा हुआ, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 80% हो गया। अब किसी वक्त भी और अब चलेगी कितनी 291 माइल चलेगी अब गाड़ी, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि 100% करके उठूँ। देखें बॉयज आया हूँ तो अब वसूली तो करके जाऊँ, और पैसे देखें ये इतने हो गए $21.44, तो पता नहीं कितनी और ऊपर जाएगी। भाई भी आ गए थे बराबर के अंदर, इतने लोग पीछे खड़े हुए थे, उनकी भी चार्ज हो गई, लेकिन हम आ रही होंगे देरी भाई। हे अल्लाह फाइनली बॉयज गाड़ी की चार्जिंग हो गई है कंप्लीट, तो अब निकालते हैं प्लग। अरे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ये निकालते हैं अब हम प्लग इसको यहाँ से और इतने वापस लगा देते हैं। कितने मिनट आपका भाई खड़ा हुआ है, 1 घंटा 15 मिनट बॉयज, ये चेक करें, ओ माय गुडनेस, करना पड़ता है भाई, क्या करें, मजबूरी है। सो बॉयज अब तो टाइम हो रहा है रात के 12:30, आपका भाई कब निकला था 10:30 के करीब निकला था घर से, तो बस अब घर ही जाएंगे, घर जाके सोएंगे, तो बस अब चलते हैं घर पर। तो मैंने सोचा अपना व्लॉग यहीं पर एंड करते हैं इसी गाड़ी में, तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें, डू सब्सक्राइब, कीप सपोर्टिंग, अल्लाह हाफिज़।